आज 28 मई है, दोपहर का वक्त है। फिलहाल हमारी मौजूदगी रोहतक में है। रोहतक का ये सिविल रोड है जहां पर हम लोग फिलहाल मौजूद हैं। भीषण गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी का असर सीधा सीधा लोगों की सेहत पर भी पड़ता हुआ साफ तौर पर नज़र आ रहा है। लोगों की आवाजाही अगर देखें, सड़कों पर बेहद कम आवाजाही है। व्हीकल जो हैं वो भी पहले की बनिस्पत काफ़ी कम सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। खास बात करें मार्केट पर भी इसका पूरा असर नज़र आ रहा है। दुकानदार भाइयों से कईयों से मैंने बात की तो दुकानों में भी दुकानदारों का साफ तौर पर कहना है कि पहले की बजाय उनकी जो ग्राहकी है वो काफ़ी कम हुई है। कस्टमर पहले की बजाय काफ़ी कम है जो घरों से निकल रहे हैं। उसका रीज़न सीधा से यही कि भीषण धूप यहाँ पर, तेज़ चिलचिलाती धूप फिलहाल की भी अगर बात करें तो वो पड़ रही है। तापमान की अगर बात करें तो कल का तापमान यहाँ 47.01% था और आज भी लगभग 47 के आसपास तापमान इस वक्त का हुआ पड़ा है और इसका सीधा असर साफ तौर पर नज़र भी आ रहा है। डॉक्टर्स से हम लोगों ने चर्चा की तो डॉक्टर्स का कहना था कि इस मौसम में खास तौर से लोगों को अपने सेहत को लेकर अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन जैसी कई बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने आप को ढक कर रखना चाहिए, गर्मी में बाहर निकलने से परहेज करना चाहिए। निकलना भी पड़े तो सूती कपड़े पहनकर निकलें और पानी का खास तौर से ख्याल रखें। पानी पीते रहें या नींबू पानी का सेवन ज़्यादा करें, इस तरह की हिदायतें डॉक्टर्स ने दी हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी ये एडवाइजरी जारी की गई है कि लोगों को अपनी सेहत का खास तौर से ख्याल रखना चाहिए, जहाँ तक हो सके गर्मी के मौसम में बाहर निकलने से परहेज ही किया जाए तो बेटर रहेगा, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन कुमार के साथ देवेंद्र दांगी, रोहतक। प्रदेश में गर्मी और लू का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज भी यमुनानगर के अगर मैं तापमान की बात करूं तो 40 से 47 डिग्री टेम्परेचर जो है वो यहां पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। एक बार तस्वीरें देखिए, ये मॉडल टाउन एरिया की तस्वीरें हैं जहां पर बहुत ज्यादा पहले भीड़ देखने को मिलती थी, लेकिन अब गर्मी ज्यादा होने की वजह से सड़कें भी इस समय जो है वो खाली नजर आ रही हैं। यहाँ शबील जो है वो लगी हुई है और लोगों की भीड़ भी जो है वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आने जाने वाले खासकर जो टू व्हीलर हैं उनको बहुत ज्यादा इस गर्मी से नुकसान हो रहा है। आप देखिए, हम बात भी करते हैं कि किस तरह से, जैसे यहाँ लोग रुक रहे हैं उनसे भी बात करेंगे, जिन्होंने यहाँ शबील लगाई है आयोजक उनसे भी बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, आपने शबील लगाई है? तो सिर्फ सेवा इसलिए लगाई है, गर्मी बहुत ज्यादा है कि लोग आए ठंडा पानी पिए और लोगों को कुछ रात मिले। आज ही के दिन के लिए कोई नहीं लगाते रहेंगे, एक दो दिन बाद छोड़ के लगाते ही रहेंगे, जब तक गर्मी चलेगी लगाते ही रहेंगे। और आप भीड़ भी देख सकते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि जो भी घर से बाहर निकल रहा है वो पेयजल का इस्तेमाल जरूर करें, नींबू पानी का इस्तेमाल जरूर करें। वैसे तो जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना ही निकलें, लेकिन काम काज के लिए लोगों को घर से बाहर तो निकलना ही पड़ रहा है, लेकिन गर्मी का प्रकोप जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। भाई साहब, किस तरह की परेशानी हो रही गर्मी में? गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी है जी, बहुत ज्यादा। तो यहाँ देखिए सब्जी विक्रेता है, इनसे भी बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? जी मैडम जी, राम सिंह। आप गर्मी में निकलते हैं सब्जी बेचने तो निकलना ही पड़ता है, कितनी परेशानी होती है? मैडम जी परेशानी तो है ही है जी, लेकिन अब काम करना ही है जी पेट के लिए। तो बिल्कुल काम तो करना ही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि सब्जी विक्रेता है, इन्होंने यहाँ अम्ब्रेला लगा रखा है, छाता लगा रखा है ताकि गर्मी से कुछ बचाव जो है वो हो सके, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है। डॉक्टर भी यही सलाह दे रहे हैं के घर से बाहर अगर निकलना है तो सिर ढक कर निकलें, आंखों पर गॉगल्स पहनें और जो पेयजल का है बार बार इस्तेमाल करें क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। यमुनानगर से खबरें अभी तक के लिए रजनी सोनी। मई का महीना है और पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल में नेशनल हाईवे पर और करनाल में आज अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस है और लगातार भीषण गर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। नेशनल हाईवे पर पहले गाड़ियां काफी ज्यादा नजर आती थी, लेकिन पहले के मुकाबले अब ट्रैफिक भी गर्मी के दिनों में कम हो गया है। वही लोग बाहर निकल रहे हैं और सफर कर रहे हैं जिन्हें कोई जरूरी काम है, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है कि दिन से लेकर शाम तक लगातार लू के थपेड़े लगते रहते हैं। डॉक्टर्स की सलाह रहती है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, घर से
बेवजह बिना काम के बाहर ना निकलें। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पर कपड़ा बांध कर निकलें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि करनाल में आज अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस है, जो नॉर्मल तापमान से करीब 6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। जानकारी ये भी है कि आगे भी इसी तरीके से जो तापमान है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि NCR और हरियाणा में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। स्कूलों में भी जो समय है वो उसमें तब्दीली देखने को मिली है, कई स्कूलों में जल्दी भी छुट्टी कर दी गई है। ऐसे में डॉक्टर्स की सलाह है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहें, लू से बचने के लिए एक तो घर से बाहर ना निकलें, लेकिन अगर ज़रूरी काम के लिए आप घर से बाहर भी निकलते हैं तो मुँह पर कपड़ा बांध कर ज़रूर निकलें ताकि आप बीमार ना पड़ें। खबरें अभी तक के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। हरियाणा समेत तमाम राज्यों में हीट वेव का प्रकोप जारी है। वहीं हरियाणा में हीट वेव के प्रकोप के चलते हरियाणा गवर्नमेंट ने तमाम स्कूलों की नर्सरी से लेकर 12th तक के क्लासेस की छुट्टियां कर दी गई है और ये वेव लोगों को काफ़ी परेशान कर रही है। स्पेशल तौर पर हम अगर बात करें तो टू व्हीलर चालक इन दिनों इस वेव से काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि जो पारा जो है वो 44 डिग्री सेल्सियस तक पानीपत में पहुंच चुका है। और हीट वेव का मतलब ये होता है कि जो सामान्य तापमान होता है उस सामान्य तापमान से जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाना। तो सबसे ज़्यादा असर जो है टू व्हीलर चालक पर है और लोग अपने आप को इस गर्मी से बचाने के लिए तरल पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक, शिकंजी, तमाम चीज़ों का सहारा ले रहे हैं। हम बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। मैम हैं, मैम क्या कहना चाहोगे, क्या नाम आपका? और गर्मी की हम अगर बात करें तो अब की जो गर्मी है पिछले मुकाबले कितनी है? बहुत ज़्यादा गर्मी है सर, और गर्मी के कारण ही आज जहाँ पे भी शिकंजी हो, जूस वाला हो, आसपास में यही ढूंढने के लिए कि लिक्विड मिल जाए, कुछ गर्मी से राहत मिले, तो आसपास में यही देख रहे हैं। गर्मी है इसी कारण यहाँ पे खड़ोना पड़ रहा है जी सर। तो देखिए लोग पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं, कुछ युवा भी हमारे साथ में बातचीत करने की कोशिश कर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से गर्मी पड़ती जा रही है? सर गर्मी तो काफ़ी है, आपको पता ही है हीट वेव चल रहा है, जिसके दौरान जो छुट्टियां भी स्कूलों की कर दी गई है। तो यही है सर कि गर्मी इतनी हो चुकी है कि बस ये मिलता है अब तो कहीं रोड पर बैठ के राहत मिल जाए और कहीं कोई शिकंजी वाला मिल जाए तो ये पी ले, इस वजह से जो काम है वो भी नहीं हो पाता। तो आपको पता ही है हीट वेव जो चल रहा है उसको लेकर जी। देखिए लोगों का काम जरूर प्रभावित है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो काम है वो हम अगर बात करें तो मैं दिखाना चाहूँगा जो ठंडे पेय पदार्थ बनाते हैं उन लोगों का काम यहाँ पर चलता दिखाई दे रहा है, वो चाहे शिकंजी हो या तमाम जो पेय पदार्थ। क्या कहना चाहोगे जी, जो सेल है आप लोगों की वो पिछले मुकाबले अब की बार कितनी ज़्यादा है, कितना पसंद करते हैं लोग? अब की 20% ज़्यादा है जी सर। वजह क्या मानते हो आप? वजह गर्मी की है। अच्छा गर्मी पहले से ज़्यादा, क्या पहले से ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं लोगों को? चक्कर आ रहे हैं हाँ। तो देखिए स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की थी कि गर्मी के मौसम में अगर आप घर से बाहर निकले तो तमाम जो सावधानी है वो बरत, और लोगों का लोग छांव तलाशने के लिए कभी पुल का सहारा लेते हैं, कभी पेड़ का सहारा लेते हैं, और ज़्यादातर लोग जो है वो पेय पदार्थों का सहारा, वो गन्ने का ठंडा रस हो, ये शिकंजी हो, या गोंद कतीरा हो, या फिर कोल्ड ड्रिंक हो, तमाम जो लोग हैं वो इस गर्मी से परेशान है। लेकिन इस गर्मी को दूर भगाने के लिए जो लोग हैं वो तरह तरह के पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। अपने सहयोगी गुरमीत के साथ प्रदीप रेडू, खबर अभी तक। हरियाणा में हीट वेव का कहर देखने को मिल रहा है। आज जिन जिले को भी रेड अलर्ट के अंदर घोषित किया गया है। 48 डिग्री टेम्परेचर जो है वो आज जिन का रहने वाला, फिलहाल जिन का टेम्परेचर जो है वो 46 डिग्री है। हालांकि जिन के सामान्य अस्पताल की बात करें वहां भी मरीजों के अंदर इजाफा हुआ है, उनके अंदर भी जो दस्त की शिकायतें हैं वो सबसे ज्यादा आ रही है। हालांकि जिन जिले की बात करें, जिन के जो DC है मोहम्मद इमरान रजा, उन्होंने बच्चों की जो छुट्टियां हैं, छात्रों की जो छुट्टियां हैं उनको भी बढ़ा दिया गया। इस वक्त आप मेरे पीछे नींबू की पानी की जो टपरी है वो आप देख पा रहे होंगे और लोग हमसे जानने का प्रयास भी करेंगे कि गर्मी के कारण उनको किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और गर्मी से बचाव के लिए वो क्या क्या उपाय जो है वो अपना रहे। सर क्या नाम आपका? भाई दलेर। सर किस तरीके के उपाय अपना रहे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है? भाई छोरे जेठ की गर्मी है, जेठ में गर्मी होया करे, पानी पीते रहना चाहिए, नींबू पानी पीते रहना चाहिए, बच्चा ने बूढ़े बुजुर्ग ने जो है गर्मी तो बचाओ, और ये जेठ की महीने में गर्मी नहीं होगी तो फिर कद होगी? 48 डिग्री टेम्परेचर जो
हाँ बिल्कुल, जेठ का महीना है, जेठ का मतलब मई की तपतिश है गर्मी छोरे या। और इसमें तुम भी बचाओ, तुम्हारे सिर पर भी कोई रुमाल कपड़ा होना चाहिए, मत ज्यादा जो है धूप में घूमो। बिल्कुल बिल्कुल, और भी लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से वो गर्मी से अपना बचाव करे। क्या नाम है सिर्फ? जितेंद्र। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, खासतौर पर जो बुजुर्ग है उनके लिए कहा जा रहा है कि गर्मी बड़ी भयानक है, खतरनाक है, कैसे बचाव करना चाहिए? और आप लोग जो गर्मी में आप निकल रहे हो घर से बाहर, कैसे बचाव कर रहे हैं? देखो गर्मी तो हर साल होगी और ये टेम्परेचर जो है वो लगातार इसलिए बढ़ने लग रहा है क्योंकि ये जो है ना जो यहाँ का मनुष्य है उसने अपनी पेड़ों की कटाई कर दी है, पेड़ नहीं लगाने लग रहा है। जब आप पेड़ पौधे लगाओगे तो टेम्परेचर कम होगा, तो ये हमारी ही वो है, हमारी वजह से ये गर्मी बढ़ने लग रही है, इसका कारण है। हाँ ये बचाव है कि भी आप समय समय पे पानी पीते रहो, अगर जब आप घर से निकलते हो तो पानी पी के निकलो और जब घर में घुसते हो जब भी पानी पियो, और सिर के ऊपर आप पन्ना रखो या टोपी रखो। गर्मी के कारण दिक्कतें किस तरीके की हो रही है? दिक्कत ये होती है कि भाई आपको उल्टी दस्त लगने लग जाएंगे, चक्कर आने लग जाएंगे, आपके सिर से जो है पानी वो कम हो जाएगा, ये दिक्कत। पर काम धंधा जरूरी है, अगर काम धंधा नहीं करेंगे। एक यहाँ पे हरियाणा में जो मुख्य गर्मी थी वो इलेक्शन की गर्मी थी, जो 25 तारीख का जो इलेक्शन हो गया, अब टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, नेचुरल चीजें। बिल्कुल, लोगों का भी साफ तौर पर कहना है कि समय समय पर पानी पीता रहना चाहिए। हालांकि गर्मी जो है वो जून के महीने में, मई के जून महीने का जो जून महीना होता है वहां पर जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। हालांकि लोग इसे बचने के लिए उपाय अपने अपने तरीके जो है वो अपना रहे हैं। सुबह से ही सूरज के तेवर तलख रहे हैं जिसमें गर्मी बढ़ रही है। दोपहर का तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया है, नौबत आ गई है कि असर देखने को मिला है। चिलचिलाती धूप और लू के कारण लोगों का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाजार की बात की जाए, बाजार में सन्नाटा छाया हुआ है। वहीं स्कूलों की बात की जाए, स्कूलों में छुट्टियां हैं, वो दोबारा छुट्टियां स्कूल की जो है वो कर दी गई है। दुकानदार का काम ठप है। वहीं प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि कम से कम जो है बाजार में निकलें और अपना या गमछा या कोई सर पर रुमाल लेके जो है वो बाजार में निकले और जो ज़रूरी काम है वो सुबह ही निपटा ले, शाम को बाहर ना निकले। अधिक जो है वो ठंडे पानी का भी प्रयोग करें, ठंडे पेय पदार्थ पिए, लू से बचने का कारण यही है। और प्रशासन ने यहाँ फतेहाबाद की अगर बात की जाए तो रेड अलर्ट जो जारी कर दिया गया है। अभी जो तापमान की अगर बात की जाए तो 12 बजे है, 12 बजे जो तापमान है वो 45 डिग्री के सेल्सियस के दर्ज किया गया है। और जैसे जैसे शाम होगी, शाम बढ़ती जाएगी, उस तरह से ही टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा। खबरें अभी तक के लिए मैं प्रवीण कालवा। पूरी उत्तरी भारत में हीट वेव चल रहा है। अगर चरखी दादरी की बात की जाए तो यहाँ पे 47 पार डिग्री तापमान पहुंच गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा जो रोड है पूरी तरह से सुनसान है। लोग अपने आप को गर्मी से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे गर्मी से बचने के लिए? क्या कहें भाई साहब, हम तो पानी की बोतल देख लो ये साथ में लेकर घूम रहे हैं और इससे कितनी देर रात मिलेगी हमें? मतलब अपना मुंह धो लिया, सिर पे डाल लिया, क्या करें? बार बार मतलब ये भी इतना गर्म हो चुका है कि मतलब ना तो सिर पे डाल सकते हैं ना इससे मुंह धो सकते हैं। सवारियों का भी इंतजार करें, सवारियों का इंतजार, मतलब इसी धूप में इतनी गर्मी में 47 पार टेम्परेचर गया हुआ है तो कहाँ से सवारियां आएंगी हमें? रोजी रोटी के लाले हो रहे हैं हमें। देखिए जो ऑटो चालक है इनका भी ये कहना है कि 47 पार पारा पहुंच चुका है, बावजूद इसके सवारियां नहीं मिल रही हैं। लेकिन हालांकि चरखी दादरी डीसी द्वारा आगामी 31 मई तक हीट वेव को देखते हुए सरकारी स्कूलों की पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक छुट्टियों का बिल्कुल आदेश कर दिए गए हैं। फिलहाल चरखी दादरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पारा बिल्कुल हाई लेवल पर चल रहा है और साथ के साथ यहाँ का जो माहौल है उसको देखते हुए लोगों का ये कहना है कि अगर बारिश नहीं हुई तो आगामी दिनों में भी हालात कुछ बदल सकते हैं। चरखी दादरी से प्रदीप साहू। महेंद्रगढ़ के अंदर भीषण गर्मी पड़ रही है। पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस समय पारा 47 डिग्री पर पहुंच गया है। इस गर्मी को लेकर प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया हुआ है, प्रशासन द्वारा चेतावनी दी गई है, लेकिन फिर भी लोग जो है बाजार के अंदर निकल रहे हैं तो अपने सर के ऊपर कपड़ा डालकर गर्मी से बचते हुए निकल रहे हैं। जो इस समय जो बाजार के अंदर पूरी तरीके से भीड़ भाड़ देखने को मिलती थी, लेकिन गर्मी के चलते हुए बाजार के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। चारों ओर जिधर भी हम देखेंगे तो दुकानदार एक साइड में कूलर के पास बैठकर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं।
बाजार के अंदर किसी तरीके के भी ग्राहक नहीं है, जबकि दुकानदार केवल कूलर के सहारे बैठकर इस गर्मी से अपना बचाव कर रहे हैं। इधर देखेंगे तो कुछ लोग सर के ऊपर गीला कपड़ा डालकर बैठे हैं। आप कितनी गर्मी का एहसास कर रहे हैं और कितना पिछले सालों के मुकाबले अब गर्मी पड़ रही है? पिछले सालों के मुकाबले में भयंकर गर्मी पड़ रही है, इतनी तेज गर्मी बहुत कम देखी है हमने तो, और बैठे हुए कूलर के आगे बैठे हुए भी पसीना आ रहा है। इनका कहना है कि व्यापार के अंदर भी किसी तरीके का काम नहीं है। देखिए जिधर देखेंगे तो वो बाबूजी आ रहे हैं, पूरी तरीके से सर के ऊपर तौलिया डालकर आ रहे हैं। युवक हैं वो भी सर के ऊपर पूरी तरीके से तौलिया डालकर आ रहे हैं, और ये बुजुर्ग हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है। आप तो पूरे बुजुर्ग हैं, पिछले कितने सालों के बाद इस तरीके का गर्मी का एहसास हो रहा है? समय के अनुसार परिवर्तन होता है, और जो है इस टाइम जो है गर्मी है बहुत तेज पड़ रही है, 5-6 दिन से तो काफी सीमा से भी पार हो चुकी है। वो बाबूजी देखिए किस तरीके से कूलर के साथ बिल्कुल सट करके बैठे हैं, जो कूलर से करीब 10 फुट दूर बैठने की बात होती थी, लेकिन आज आप कूलर के सामने बैठे, किस तरीके का गर्मी का एहसास कर? बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ रखा है गर्मी ने, और कोई बाजार में काम नहीं है एक पैसे का। पूरे देश में हीट वेव का प्रकोप है, यानी कि तपती गर्मी से हर कोई प्रभावित हो रहा। बात करें भिवानी की तो भिवानी में 46 से 47 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच चुका है, जिससे आम जनजीवन जो है वो ठप हो चुका है, हर आदमी जो है वो बेहाल है। आप देख सकते हैं कि भिवानी में भी इस समय भले ही वाहन चलते दिखाई दे रहे हों, लेकिन इतनी तपती गर्मी में शायद ही कोई आदमी जो है वो बाहर दिखाई दे, बगैर गाड़ी के दिखाई दे। इस कारण हम कह सकते हैं कि जो जनजीवन है वो इस तपती गर्मी में, इस हीट वेव में जो है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और किस प्रकार से उनका जो जीवन है वो प्रभावित हो रहा है। जी क्या नाम है, क्या मानते हैं, किस प्रकार की गर्मी है भिवानी में? गर्मी बहुत ज़्यादा है, तापमान करीब 50 डिग्री के करीब पहुँचने वाला है। जनजीवन के साथ साथ पशु पक्षियों का भी बुरा हाल है। इसके साथ ही शहर के अंदर और गांव में बिजली के बार बार कट लग रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, लोगों को बहुत हर तरह की परेशानियां महसूस करनी पड़ रही हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, अगर समय पर बारिश नहीं हुई 2-4-5 दिन में तो हर जनजीवन लोगों का बहुत कठिन होगा। ड्राइविंग का काम करता हूँ, ये मेरी गाड़ी है, बोनट पर हाथ भी लगाया जा रहा है, इतनी गर्मी है और सूर्य महाराज बिल्कुल नीचे आके तप कर रहा है और गाड़ियों में ऐसी नहीं चल रहा है, सवारी पैसे देने से मना कर देती है जी, बेरोजगारी इतनी फैल गई है, खत्म है सोता, ये गर्मी पड़ती रही तो जीव जंतु खत्म। ऐसे में सभी से अपील जो है प्रशासन भी कर रहा है और स्वास्थ्य विभाग भी कर रहा है कि बगैर जरूरत के जो है घर से बाहर न निकले, बहुत जरूरी काम है तभी जो है 2-12 बजे से 4 बजे तक बहुत जरूरी काम होने पर निकले, क्योंकि बीमारियों का प्रकोप जो है इस समय बढ़ सकता है और किसी भी तरह से जो है खासकर बच्चे और बुजुर्ग गर्मी की चपेट में ज़्यादा आ रहे हैं, हॉस्पिटलों में जो है वो मरीजों की लाइन लगी हुई है। ऐसे में हम भी आपसे अपील करते हैं कि बगैर जरूरी काम के घर से बाहर न निकले और जितना उसके पानी पिए और इसके साथ ही गर्मी से अपने आप को बचाव करें। खबरें अभी तक के लिए अपने सहयोगी अमन के साथ भिवानी से जगवीर घनगस। भागों की भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए बेशक पर्यटक यहां पर पहुंचे हुए हैं, आप तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहां पर भी गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा है और तापमान यहां पर बढ़ा हुआ है। अगर मौसम विभाग के पूर्वानुमान की माने तो उसके मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह की भीषण गर्मी पहाड़ी इलाकों में भी पड़ेगी, और मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसमें सोलन, सिरमौर और उसके साथ साथ ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी के कुछ इलाके हैं जहां पर लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि मैदानी भागों से कम गर्मी यहां पर है, उतनी गर्मी नहीं है। शिमला की बात करें तो पिछले कल का तापमान 3.6 डिग्री जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, और इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा तापमान वो ऊना का रिकॉर्ड किया गया है 44 डिग्री का। लेकिन इस बीच पर्यटक पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि घूमने के लिए आए हैं, इनसे बातचीत भी करेंगे। आप कहां से आए? हम जिला झलावाड़ राजस्थान से आए। अच्छा, तो कैसा लग रहा है शिमला में? वहां तो बहुत गर्मी होगी, यहाँ कैसा? गर्मी है वहाँ, 48 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है लगभग, और यहाँ ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। 30 डिग्री तक यहाँ भी पहुंच गया है? नहीं, पर ठीक है, हमको अच्छा लग रहा है। तो कैसा यहाँ शिमला में, कहाँ कहाँ घूमे आप? हम एक हनुमान जी के मंदिर गए और एक कसौली गए, कुफरी गए। कुफरी? हाँ बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे को इस यहाँ का माहौल देखे बहुत अच्छा लगा है, अच्छा सुंदर सा प्रतीत होता है। आप वहाँ से और यहाँ का तापमान में तो बहुत अंतर है। डिफरेंट है सर, बहुत डिफरेंट है।
यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत कम रहता है, वहाँ की अपेक्षा यहाँ बहुत कम टेम्परेचर है, हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और काफी एंजॉय भी कर रहे हैं, अलग अलग स्थानों पर भी गए। हालांकि अगर शिमला की बात करें तो पहले से थोड़ा तापमान बढ़ गया है, जो शिमला में ही रहते हैं उनको बेशक गर्मी लग रही है, लेकिन जो बाहर से यहाँ आए हैं वो खूब मजा यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाओं के बीच जो ये गर्मी है उसका एक अलग ही मजा है। तो ऐसे में जो मौसम विभाग का अलर्ट जो है वो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, आज के लिए भी है और अगले कल के लिए भी है। वीडियो शंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला। हिमाचल प्रदेश में अक्सर पर्यटक ठंडी राहत पाने आते थे, लेकिन इस बार मौसम ने कुछ ऐसी करवट बदली है कि इस करवट के चलते हिमाचल प्रदेश में भी हर ज़िले का तापमान अलग अलग बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे जो है हीट वेव बढ़ती जा रही है, जिससे आम जन तो परेशान है ही, वहीं दूसरी ओर पर्यटक भी अच्छे खासे नज़र आ रहे हैं। अगर बात करें गर्मी की तो गर्मी से काफ़ी ज़्यादा तापमान बढ़ रहा है, कभी 40 तो कभी 41 डिग्री जो तापमान है उसमें कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो हटना जो है वो पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हीट वेव चल रही है और ऐसी बढ़ती हुई गर्मी से कहीं ना कहीं जो है बीमार होने का भी आसार बने रहते हैं। तो स्कूल की टाइमिंग बदल दी गई है, बच्चों को सुबह 7:30 बजे स्कूल भेजा जा रहा है और 1 बजे के बाद जो है उनको छुट्टी हो रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये बढ़ती हुई गर्मी जो है अब आने वाले समय में लोगों के लिए और भी परेशानी खड़ी कर सकती है। चंबा से कैमरामैन अनु शर्मा के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक। गर्मी का सितम लगातार जारी है। अगर हम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून में भी पारा 41 डिग्री के पार पहुंच चुका है। हालांकि इससे काफी दिक्कत लोगों को उठानी पड़ रही है, लेकिन मजबूरी ये है कि लोगों को कामकाज करना है, इसलिए घरों से बाहर निकलना जरूरी है। हालांकि लोग गर्मी से बचने के लिए बहुत तरह के उपाय कर रहे हैं, ज्यादातर लोग पानी की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि राजधानी देहरादून में कई जगहों पर झरने बहते हैं, कई जगहों पर जैसे सहजदारा है या पास में मसूरी है वहां पर जाते हैं और ठंड से बचने के लिए कई इंतजाम करते हैं। लेकिन चूंकि पारा 41 डिग्री के पार पहुंच चुका है, इसलिए जो आम लोग हैं उनके लिए काफी दिक्कतों का सामना इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि काम काज करना उनके लिए मजबूरी है। काम पर नहीं जाएंगे तो फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा, घर के जो काम काज है वो कैसे होंगे। इसलिए लगातार जो लोग हैं वो गर्मी से बचने के लिए उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। वहीं अगर हम टूरिस्ट की बात करें, लगातार टूरिस्ट उत्तराखंड में रुख कर रहे हैं, खासतौर पर ऐसी जगहों पर जहां पानी वाली जगह है या ठंडी जगह है। दूसरी तरफ जो मौसम विभाग है उसने अंदेशा जताया है कि आने वाले दिनों में अभी बारिश नहीं होगी, यानी अगले 3 से 4 दिन तक अभी इसी गर्मी से लोगों को रूबरू होना पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि इस गर्मी से बचने के लिए लोग किस तरह के इंतजाम करते हैं। अपने सहयोगी सौरभ कुमार के साथ नासिर हुसैन, खबरें अभी तक, देहरादून। पूरे हरियाणा में कड़ाके की गर्मी पड़ रही है और आने वाले समय में गर्मी को लेकर क्या कुछ राहत लोगों को मिल सकती है या फिर यूं ही तापमान है वो बढ़ता रहेगा, इसको लेकर हमारे साथ हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एम एल खीचड़ हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब से बात करेंगे। सर, क्या कुछ संभावनाएं आगे मौसम को लेकर? पिछले कई दिनों में तापमान, रात्रि तापमान भी गर्म था, 30 डिग्री और 31 डिग्री तक पहुंच गया था, परंतु रात्रि तापमान में क्यों हवाएं जो पश्चिमी चल रही है वो कई बार शाम के समय उत्तर पश्चिमी और पूर्वाई हो जाती है, जिसके कारण में थोड़ी रात्रि तापमान में गिरावट देखने को मिली है 1 जून और 2 जून के आसपास, तो उसके कारण तापमान में थोड़ी हल्की गिरावट आगे आ सकती है। उसके बाद भी सर कोई राहत मिलने की संभावना है जून के महीने में? अभी ज्यादा कहना उचित नहीं होता, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा 7-8 दिन की फोरकास्ट प्रोवाइड करते हैं। 20 जून के आसपास प्री मानसून बारिश से शुरू हो जाती है, तो उससे कुछ राहत मिले, क्योंकि अभी मानसून भी केरला हिट होगा जो 31 मई के आसपास हिट होने की संभावना है, तो वो जैसे ही मानसून हिट होगा उसके बाद में विंड पैटर्न किस तरीके से रहेगा, हवाएं किस तरीके से बढ़ेगी, वो तो आगे के आने वाले टाइम में मानसून किस तरीके से पूरा सक्रिय होगा, क्योंकि इस बार मानसून भी IMD ने प्रेडिक्ट किया है कि इस बार मानसून सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है, तो यदि अच्छी बारिश होती है तो वो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी देगा। ये गर्म अभी जो लू चल रही है, गर्म तापमान ज्यादा है, ये आखिरकार मानसून के लिए फायदेमंद रहेगा। तो बिल्कुल 31 मई को जो कहीं ना कहीं प्रदेश में
एक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से राहत मिलने की संभावना है। प्रदेश में कहीं कहीं बादलवाई और हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। वहीं मानसून को लेकर जो है IMD की तरफ से भी कहा गया है, और जो है मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मलखीचड़ ने भी बताया कि इस बार जिस तरीके से संभावनाएं बन रही है, मानसून भी हरियाणा में अच्छा रहेगा। कुलदीप सिंह, खबर अभी तक हिसार।